अपने वाटर को कंडक्ट करने की की के हैबिटेट के बिना के ऊपर वाटर की अवेलेबिलिटी के बिना के ऊपर और प्लांट्स को फोर ग्रुप्स के अंदर तक डिवाइड किया गया है जो इसका फर्स्ट ग्रुप है वो है हाइड्रोफाइट्स हाइड्रोफाइट जो प्लांट्स है वो पाए जाते हैं फ्रेश वाटर के अंदर दे आर फाउंड इन फ्रेश वाटर इनकी हैबिटेट ये है कि ये फ्रेश वाटर के अंदर ग्रो होते हैं जैसा कि हमारे पास वाटर लिली एक प्लांट है वो भी इसके अंदर ग्रो होता है या तो ये पार्शली या कम्प्लीटली जो है वो वाटर के अंदर मर्ज होते हैं या तो ये प्लांट जो है हाफ यानी पार्शल जो है वाटर के अंदर होते हैं और पार्शल वाटर से बाहर होते हैं या ये कम्प्लीटली जो है वाटर के अंदर ग्रो होते हैं द स्टेम एंड लीव्स और हाइड्रोफाइट्स लेट क्यूटिकल अब इसके जो स्टेम होते हैं हाइड्रोफाइट्स के स्टेम और लीव्स उसके अंदर क्यूटिकल प्रेजेंट नहीं होता है क्यूटिकल एक कवरिंग होती है जो कि इसके अंदर प्रेजेंट होती है लेकिन हाइड्रोफाइट्स के अंदर वो कवरिंग मौजूद नहीं होती है इसलिए इनको वाटर ऑप्टेन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती देर स्टोमेटा आर रेस्ट्रिक्टेड ऑन द अपर सरफेस ऑफ लीव इन पारशी सबमर्ज हाइड्रोफाइज इनके जो स्टोमेटा हैं वो अपर सरफेस लीव्स के अपर सरफेस पर मौजूद होते हैं और पारशली जो है सबमर्ज होते हैं हाइड्रोफाइल्स। जो पारशली सबमर्ज हाइड्रो हाइड्रोफाइल्स है मतलब जो हाफ वाटर के अंदर रहते हैं उनके जो स्टोमेटा होते हैं वो अपर सरफेस ऑफ लीवस के ऊपर प्रेजेंट होते हैं सो ऑस्मो रेगुलेशन के बारे में हमने हाइड्रोफाइट्स के बारे में जाना है अब हम सेकेंड ग्रुप के बारे में जानते हैं जो कि हेलोफाइट्स हेलोफाइट्स अल प्लान ग्रोइंग इन सॉल्ट मार्शिज क्लोज टू सी हेलोफाइट्स वो प्लांट है जो कि सॉल्ट मार्शिज के ऊपर ग्रो होते हैं यानी कि वो इलाके जहाँ पर सॉल्ट ज़्यादा मिकदार में मौजूद होता है यानी कि सी एंड समंदर के किनारे पर वगैरह पर ये प्लांट ग्रो होते हैं दे हैव टू एब्जो वाटर फ्रॉम सच अ सॉइल विच हैज हायर सॉल्ट सॉल्ट्रेशन एंड लोअर वाटर पोटेंशियल इनको जो है नीड होती है कि ऑब्जॉर्व करें वाटर वाटर को ऐसी से ऐसी जमीन से ऑब्जॉर्व करें जिसके अंदर साल्ट की हाई कंसनट्रेशन मौजूद होती है और वाटर पोटेंशियल जहाँ पर कम हो वहाँ से इन्हें नीड होती है कि वाटर को ऐबजॉर्व करें ऐसी जमीन से जहाँ पर सॉल्ट सॉल्ट की कंसनट्रेशन ज़्यादा हो और वाटर पोटेंशियल जो है वो लो हो देर फॉर द एक्टिवली रूट्स ये क्या करते हैं इस कंडीशन से बचने के लिए इस कंडीशन से कॉप करने के लिए सॉल्ट जो है वो एबजॉर्ब करते हैं अपने रूट की मदद से और एक्टिवली यानी फास्टली जो है ये सॉल्ट को एब्जॉर्ब करते हैं द सेल ऑफ द रूट डेवलप्स लोअर वाटर पोटेंशियल विच ब्रिंग्स इन वाटर बाय ऑस्मोसिस जो सेल है रूट्स के वो डेवलप होते हैं लोअर वाटर पोटेंशियल के अंदर जो क्या करते हैं विच ब्रिंग ब्रिंग इन वाटर बाय ऑस्मोसिस जो कि अपने अंदर वाटर लेते हैं किस प्रोसेस से ऑस्मोसिस के प्रोसेस से अपने अंदर वाटर को इन कर लेते हैं और इनके अंदर तो जो एक्सेस वाटर होता है वो स्टोर हो जाता है एक सॉल्ट गैंड के अंदर जो कि लीव्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं इनके जो सॉल्ट है वो सीक्रेट करते हैं कुछ ऐसे स्पीशीज को जो कि वाटर को वाटर वेपर्स को हवा से ट्रैप करने की सलाहियत रखती है यानी हवा से लेने की सलाहियत रखती है और कुछ एक्स्ट्रा जो वाटर है वहाँ से भी कंडक्ट कर लिया जाता है अब हेलो फायरस के बाद हम जानते हैं नंबर थर्ड बीजोफायर्ट्स के बारे में बीजोफायर जो है वो लैंड प्लांट्स ऑफ प्लान्टेम्परेचर जोन्स विच ग्रो इन वेल वाटर सॉइल यह लैंड प्लांट्स है टेम्परेचर जोन का मतलब ये है कि वो इलाके जहाँ पर टेम्परेचर थोड़ा हाई होता है और ये लैंड प्लान ज़मीन के अंदर ग्रो होने वाले प्लांट्स हैं बट विच ग्रो इन वेल वाटर सॉयल लेकिन उस सॉयल के अंदर ग्रो होते हैं जहाँ पर पानी जो है वो काफ़ी अच्छी मिकदार के अंदर मौजूद होता है दैन इजीली कम्पल्स द वाटर लॉस बाय ट्रांसपारेशन थ्रो एब्जॉर्बिंग वाटर फ्रॉम द साइल ये जो है वाटर लॉस ट्रांसपारेशन के प्रोसेस हमें मालूम है कि वाटर लॉस का प्रोसेस है ट्रांसफारेशन वहाँ से इजीली कम्पनसेट कर लेते हैं थ्रो एब्जॉर्बिंग वाटर फ्रॉम द दॉयल सो so, उस सॉयल से वाटर को एब्जॉर्ब करके ये इजीली वहाँ से कम्पनसेट कर लेते हैं क्योंकि ये ग्रो ही वहाँ पर होते हैं जहाँ पर अच्छा वाटर जिस जमीन के पास मौजूद होता है सो टू प्रिवेंट एक्सेसिव ट्रांसपारेशन देव डेवलप वाटर प्रूफ एक्सटर्नल कवरिंग क्यूटिकल ट्रांसपारेशन का रेट ज़्यादा ना हो जाए या ट्रांसपारेशन ज़्यादा मेदार में ना हो जाए तो इसके अंदर एक बहुत अच्छे जो है वाटर प्रूफ एक्चर्नल कवरिंग मौजूद होते इसे क्यूटिकल कहा जाता है ताकि एक्सेसिव अमाउंट ऑफ वाटर यानी वाटर ज़्यादा मेदार में लॉस ना हो ट्रांसपारेशन के प्रोसेस के जरिए तो मिजोफाइट हमने जाना कि लैंड प्लांट्स हैं जो कि टेम्परेचर जोन यानी टेम्परेचर वाले इलाकों में ग्रो होते हैं लेकिन उस जमीन के अंदर ग्रो होते हैं जिसमें वाटर अच्छी मिकदार में मौजूद होता है ये वाटर लॉस जो ट्रांसपारेशन के जरिए होता है उसे इजीली कंप्लीट कर लेते हैं किस तरीके से एब्जॉर्ब करके वाटर को ज़मीन से और इसके अलावा जो ट्रांसपालेशन का रेट है वाटर ज़्यादा लॉस ना हो उसमें इसके लिए उनके अंदर एक, एक, एक वाटर प्रूफ कवरिंग मौजूद होती है अब हम जानते हैं ज़ीरो के बारे में जीरोफाइट्स वो प्लांट्स होते हैं डेट प्लांट्स डेट ग्रो इन द ड्राई प्लेस तो वो प्लांट जो वो लिविंग प्लांट जो ड्राई सरफेसिस के ऊपर ग्रो होते हैं जैसा कि हमारे पास डिजर्ट हो गया स्टीप हिल्स यानी पहाड़ी इलाके हो गए वहाँ पर जो प्लांट ग्रो होते हैं उसे ज़ीरो कहा जाता है और इन प्लांट को पानी की काफ़ी कमी महसूस होती है क्योंकि जहाँ पे ये ग्रो होते हैं वहाँ पानी बहुत कम मकदार में मौजूद होता है सो so, uh, जिस ज़मीन के अंदर ये ग्रो होते हैं उसके अंदर एयर uh, और वाटर इस तरीके के कंडीशन जो है वो ज़्यादा अवेलेबल नहीं होती हैं तो इसको uh, इस सिचुएशन को बर्दाश्त करने के लिए या जिंदा रहने के लिए जीरो फाइट फॉलोइंग फॉलोम टू कंजर्व वाटर टू सरवाइव ड्यूरिंग ड्रफ कंडीशन इस कंडीशन में सर्वाइव करने के लिए उनके अंदर जो फॉलोइंग कंडीशंस रिक्वायर होती हैं या फॉलोइंग कंडीशन के थ्रू वो

वो क्या होता है कि वो कंसनट्रेटिड होते हैं और इनको प्रोटेक्ट कर लेते हैं एक्सटर्नली हार्ड कोर्ट्स के जरिए इनके जो हार्ड कोर्ट होता है वो इस कंडीशन से इनको प्रोटेक्ट कर लेते हैं एंड दस रीज स्ट्रक्चर रिमेन वायबल फॉर अ कंसिडर पीरियड ऑफ टाइम तो ये जो स्ट्रक्चर होते हैं ये इनको काफ़ी टाइम के लिए ज़िंदा रहने में हेल्प करते हैं सो so, ये हमने जाना फर्स्ट सीट स्पोर्ट्स ड्रफ कंडीशन जिसमें जो है सीड टू स्पोर्ट्स की मदद से जो है ड्रफ कंडीशन के अंदर सर्वाइव किया जाता है अब सेकंड देखते हैं कि सेकंड कौन सा ऐसी चीज है ऐसी कौन से अडपटेशन है जो लैंड प्लांट सॉरी जीरो फाइव जो है वो अडॉप्ट कर लेते हैं सो द सेकंड वन इज अडप्टन फॉर बैलेंस बिटवीन ट्रांसपारेशन एंड वाटर अपटेक ट्रांसपारेशन का जो प्रोसेस इनके अंदर होता रहता है उसके दरमियान में वाटर अपटेक या जो वाटर इनको लेना है उसके दरमियान में जो बैलेंस है वो किस तरीके से रखना है इसके कुछ प्रोसेस है फोर प्रोसेस है वन बाय वन प्रोसेस डिस्कस कर लेते हैं सो द फर्स्ट वन इज डेवलपमेंट ऑफ वेरी डीप वर्टिकल रूट्स फॉर बेटर एब्जॉपन ऑफ वाटर फ्रॉम द सॉयल इनके अंदर जो है एक वर्टिकल रूट डेवलप होती है और वो काफ़ी डीप वर्टिकल रूट होती है ताकि वो सॉइल से वाटर को अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब कर सके इसकी एग्जाम्पल के अंदर हमारे पास अकेशिया एकेशियान ये प्लांट्स आ जाते हैं क्या है कि इसके अंदर एक बहुत डीप रूट निकलती है ताकि वो सॉइल को डीपली जाकर सॉइल से वाटर को एब्जॉर्ब कर सके इसके बाद जो सेकेंड है डेट इज अदर प्लांट्स हैव सुपरफिशियल हॉरीजेंटर रूट्स विच कैन एब्जॉर्ब वाटर बिफोर इट फ्रॉम द सच एज कैक्टस दूसरे जो प्लांट्स हैं उनके अंदर हॉरिजेंटल रूट्स प्रेजेंट होती है जो वाटर को एब्जॉर्ब करने की सलाहियत रखते हैं वाटर को इस तरीके से एब्जॉर्ब करने की सलाहियत रखते हैं बिफोर इट एवोप्रेट्स इससे पहले कि वो जो मैदानी इलाके हैं वो जो ड्राई पेसिस हैं वहाँ पर ये ग्रो हुए प्लांट इससे जो वाटर है वो एवोपरेट हो जाए उस वाटर को एवोपरेट होने से पहले ही एब्जॉर्ब कर लेते हैं सॉइल से इसकी एग्जाम्पल के अंदर आता है कैक्टी इट इज आल्सो अ प्लांट जो कि एक जीरो पॉइंट प्लांट है जो कि ड्राई पेसिस के अंदर ग्रो होता है सो द थर्ड इज रिडक्शन ऑफ इन नंबर ऑफ स्टोमेटा स्टोमेटा के नंबर्स में कमी सेंटेक टाइप ऑफ स्टोमेटा डेवलप ऑफ हैरी ऑफ लेमिना एंड मोडिफिकेशन इंटू स्पाइन इनके अंदर सेकेंड टाइप के स्ट्रोमेटा होते हैं और लेमिना के साइज में कमी रिडक्शन यानी उनके साइज में कमी और स्पाइन के अंदर मौजूद होते हैं कॉन्टन वाइज्रक्चर मौजूद होता है उसकी मोडिफिकेशन ये कुछ एडप्टे है आर समूसिंग रेट ऑफ ट्रांसपारेशन अब ये जो अडाप्टेशन प्लांट्स के अंदर मौजूद होती है इससे क्या होता है ट्रांसपरेशन का रेट कम हो जाता है अब ट्रांसपारेशन का रेट कम होगा तो ऑबियसली वाटर लॉस नहीं होगा वाटर लॉस होने से काफ़ी मकदार में वाटर लॉस होने से बच जाएगा तो इसके अंदर इ, इन अडाप्टशन की मदद से भी ये वाट सर्वाइव कर लेते हैं सो so, फोर्थ ही सम प्लांट्स स्टोर वाटर इन लार्ज पेरन काइमेटियस सेल पेरन काइमेटियस सेल कुछ इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं जहाँ पर कुछ प्लांट क्या करते हैं वाटर को स्टोर कर लेते हैं प्रेजेंट इन स्टेम और लीव्स अब ये पेरेंट क्लाइमेटिया सेल हैं इनके स्टेम और लीव्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं एंड सच प्लांट्स आर टर्म एड सके और इस तरह के प्लांट्स को सिक्यलैंड कहा जाता है किस तरह के प्लांट्स को जिसके अंदर पेरेंट सेल प्रेजेंट होते हैं स्टेम में और लीव्स में जहाँ पर यह वाटर को स्टोर कर लेते हैं जिस तरह अगर हम लिविंग, बाकी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात करें ह्यूमन बीक्स की बात करें कि जब हमें प्रॉब्लम होती है कि हमें मालूम होता है हमें वाटर नहीं मिलेगा हम वाटर को स्टोर कर लेते हैं ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा देर तक सर्वाइव कर सकें इसी तरीके से ये प्लांट भी अपने अंदर वाटर को स्टोर कर लेते हैं ताकि ये ड्रफ्ट कंडीशन में सर्वाइव कर सकें अब इसके नतीजे में क्या होता है एज अ रिजल्ट द स्टेम और लीव्स बिकम जूसी इसके नतीजे में इनके अंदर वाटर होने की वजह से इनके स्टेम और लीव्स जो हैं वो जूसी हो जाते हैं यानी वाटरी फॉर्म के अंदर हो जाते हैं तो इस तरीके से ज़ीरो फाइट्स प्लांट्स जो हैं वो सर्वाइव कर लेते हैं वाटर को यूज़ इस तरीके से वो करते हैं सो दिस वाज़ वॉज टॉपिक इन ऑस्मो रेगुलेशन इन प्लांट्स प्लांट्स पे किस तरीके से ऑस्मो रेगुलेशन होती है और इस बिना पर कौन से फोर ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किया गया है और फोर ग्रुप की अलग अलग किस तरीके से ऑस्मो रेगुलेशन होती है हमने जाना है इस लेक्चर में आई होप का आपको समझ में आ गया होगा फॉर फर्दर वीडियोज़ लाइक एंड सब्सक्राइब और चैनल का ख्याल रखिएगा अल्लाह